हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फाइड ऑर ऑफ जिंक एंड सल्फाइड ऑर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो बच्चा वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हमें एक एग्जांपल दो सल्फाइड ऑर ऑफ जिंक या सल्फाइड ऑर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है और। क्या है? और। ठीक है, और क्या है? इट इज अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल दैट कंटेन्स वैल्यूएबल मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स और एलिमेंट्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर इकोनॉमिक गेन। अच्छा, और क्या होता है? जैसे हमारे जो मिनरल्स है, एसेंशियल मिनरल्स है, वो कभी भी हमारे अर्थ सरफेस से मोस्ट ऑफ द टाइम प्योर नहीं निकलते। वो किसी ना किसी इम्प्योरिटीज या बहुत सारे अलग मिनरल्स के साथ अटैच होके निकलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जब वो निकलते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स या मतलब जो आपके में इम्प्योर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको पूरा हम ओर कहते हैं। ठीक है, फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर हमें वैल्यूएबल सब्सटेंस या मेटल मिलता है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके हम ओर लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं जिंक के सल्फाइड और ऑफ जिंक। ठीक है, तो आपका है स्फेलराइट, स्फेलराइट हमें एक लिखना है बट मैं फिर भी दो दे देती हूं, जिंक ब्लेंड। क्लियर। दूसरा है हमारा सल्फाइड और ऑफ कॉपर। ठीक है, और वो क्या है आपका? कॉपर ग्लेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आएगा क्यूपराइट, 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 क्यूपराइट। ये हो गए आपके दो सल्फाइड और एक तो जिंक का और एक कॉपर का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।